Good morning, good morning, good morning. Good morning everyone to my magical channel, my magical sessions, my magical video and of course my magical experiences. So I'm Priya from Mumbai. As always, हमेशा मैं law of attraction और energy healing के ऊपर discussions करती हूँ, अपने experiences share करती हूँ और अपने कुछ tried and tested experiments भी share करती हूँ. आज मैं एक बहुत अच्छा सा topic लेके आई हूँ और topic है 10 gentle daily reminders to ourselves. ऐसे वो 10 reminders जो हमने अपने आप को daily देने हैं. Excuse me for this sound, मेरा बेटा छोटा है 3 years का और वो नहा रहा है, so he's like enjoying a lot, तो उसकी आपको आवाज़ें बीच में आती रहेंगी, so please excuse me. ओके, ये 10 जो पॉइंट्स हैं, 10 रिमाइंडर्स हैं, ये अगर हम अपने पास एक पेपर पे लिख के रखेंगे और जैसे हम डेली अपने लिए एफर्मेशंस करते हैं, हम इसको एक या दो बार या एटलीस्ट मॉर्निंग में उठने के बाद अपने दिन भर के लिए इसको पढ़ लें एक बार, तो आपको हेल्प मिल जाएगी. जो जाने अनजाने हम लोगों के जो ओल्ड हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हम पुराने थॉट्स में फंस जाते हैं, नेगेटिव सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, किसी के कुछ कहने पे का असर हम पे हो जाता है और हम एक नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव पैटर्न की तरफ चले जाते हैं और फिर हमारा दिन पूरा गंदा चला जाता है. सो ये 10 जेंटल रिमाइंडर्स हैं, अपने आप को याद कराते रहना है ताकि आपकी वाइब्रेशंस ख़राब ना हो और जो भी गोल या जो भी गिफ्ट के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, वो फटाफट अलाइन हो जाए बिना किसी रुकावट के. सो अपने आप को तो याद कराना ही है ना, जैसे एफर्मेशंस अपने आप को याद कराना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ये रिमाइंडर्स हैं. इनको प्रैक्टिस नहीं करना, बट इनको अगर आप दो तीन दिन लगातार पढ़ लोगे और पढ़ने से क्या होगा, दिन भर में आपको याद रहेगा कि ओ मैं ज़्यादा सोच रही हूँ. कोई फ़ायदा नहीं होता था सोचने से, चेंज में वाइब्रेशन या ओ किसी ने मुझे कुछ कमेंट किया है नेगेटिव, इट इज़ ओके, वो उसकी सोच है मेरी सोच नहीं. सो स्मॉल रिमाइंडर्स हैं, मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं, आई शेयर विद यू. सो नंबर 1 रिमाइंडर है द पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड. ये हम सब जानते हैं, जो पास्ट में हो गया वो हो गया, अब उसको लेट गो कर दो, उस इंसान को माफ़ कर दो या उससे माफ़ी ले लो या उस इंसिडेंट को माइंड से निकाल दो. हम नहीं निकाल पाते हैं, तो मैंने उसके लिए आपको रिलीजिंग एफर्मेशंस अपने लास्ट वीडियोस में बताई हैं कि भगवान जी आई फॉरगिव देम एंड सेट देम फ्री, मैं सबसे फॉरगिवनेस मांगती हूँ और मुझे फ्री कर दो. दो चीज़ें हो गई, आई रिलीज दैट इंसिडेंट फ्रॉम माई लाइफ, मैं उस इंसिडेंट को अपनी ज़िंदगी से निकाल रही हूँ. आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जीज और इंटेंशंस और थॉट्स कनेक्टेड टू माई पास्ट एंड आई मेक पीस विद माई पास्ट. सिंपल, पास्ट का सोचो कोई फ़ायदा नहीं है. पास्ट में किसी इंसान ने कुछ गलत किया और हम आज उसे रिएक्ट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है. उसी वक्त लेट गो कर दो, और अगर तब लेट गो नहीं किया था, अब मैं सिखा रही हूँ, अब लेट गो कर दो. फाइन. सेकेंड पॉइंट, ओपिनियन डोंट डिफाइन योर रियलिटी. सामने वाला आपको कमेंट कर रहा है ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा कर देती तो अच्छा होता, ये कर देती तो अच्छा होता, कि अपना 100% एफर्ट दिया है वो मैंने दिया है एंड आई नो इट एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट. सामने वाला मुझे जो मर्जी कमेंट कॉम्प्लीमेंट जो मर्जी दे, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है आई हैप्पीली एक्सेप्ट, कमेंट दे रहा है आई हैप्पीली एक्सेप्ट, वो उसका थॉट प्रोसेस है, वो उसका व्यू पॉइंट है, वो उसकी सोच है, इट इज़ ओके. उसने अपना व्यू पॉइंट हमसे शेयर किया, हमने उसको सुन लिया, उसको अंदर नहीं जाने दिया, सुन लिया अंदर नहीं लेके जाना, वो उसका दिमाग है. हम क्यों अफेक्ट हो रहे हैं और हम क्यों नेगेटिव हो रहे हैं उस चीज़ को लेके. फाइन. थर्ड पॉइंट, एवरीवन्स जर्नी इज़ डिफरेंट. सबकी ज़िंदगी की अपनी एक जर्नी चल रही है, सबके अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, सब ने अपनी ज़िंदगी में बचपन में फैमिली माहौल में संस्कार में एक्सपीरियंसेस में सब ने डिफरेंट सीखा है, सबके डिफरेंट लेसन्स हैं. कोई अभी क्लास 2 के एग्ज़ाम्स दे रहा है, लिटरली नहीं कह रही हूँ, लाइफ में कह रही हूँ, कोई लाइफ में क्लास 2 के एग्ज़ाम्स दे रहा है, कोई 4 के दे रहा है, कोई 5 के दे रहा है, कोई अभी नर्सरी में ही है, तो सबके लेसन्स टाइम पे आते रहेंगे, तो सबकी जर्नी डिफरेंट है. इसलिए हमें कभी भी किसी की भी लाइफ की जर्नी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना, उसका अच्छा देख के खुद नहीं जलना, उसका बुरा देख के या उसका मजाक भी नहीं उड़ाना. वो उसकी जर्नी है, वो अपने टाइम से सीखेगा, अपने टाइम से हर चीज़ लर्न करेगा, अपने टाइम से हर चीज़ अचीव करेगा. सेम इज़ विद अस, हमारे एफर्ट्स अच्छे होंगे, हमारी मेहनत अच्छी होगी, हमारे सोच अच्छी होगी, तो हम अपने हिसाब से अचीव करेंगे, क्यों कंपेयर करना है. सो नेवर कंपेयर, रादर बी हैप्पी कि तूने अचीव किया, आई लाइक इट, इवन आई विश टू अचीव.
तो मैं तेरे अचीवमेंट की जो पॉजिटिव हैबिट्स हैं, ये पॉजिटिव तेरा अप्रोच है, वो सीखना चाहूँगी और मैं भी अपने लेवल पे सक्सीड करना चाहूँगी। सिंपल। सो हर चीज़ में हमें हैप्पीनेस, ग्रेटफुलनेस, अप्रिसिएशन करते रहना है। फाइन। फोर्थ पॉइंट इज थिंग्स ऑलवेज गेट बेटर विद टाइम। हम सब जानते हैं, सबके बड़े बुजुर्ग जो घर में दादी नानी सब होते हैं, वो सब क्या बोलते हैं, बेटा कोई बात नहीं, समय के साथ ठीक हो जाएगा, समय के साथ ठीक हो जाएगा। बिकॉज समय अकेला एक ऐसी चीज़ है जो चलाई माने वो चलती रहती है, वो हमारे लिए रुकती नहीं है। सो कोई भी नेगेटिव इवेंट या सैड इवेंट किसी की लाइफ में होता है, कोई ट्रॉमा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, समय के साथ बॉडी भी तो हील कर जाती है ना। तो समय के साथ हमारी जितने भी इमोशनल या मेंटल इश्यूज हैं वो भी हील हो जाएंगे। पर थोड़ा ध्यान रखना है, उसकी तरफ अवेयरनेस रखनी है और इतने पॉजिटिव रहना है कि भगवान जी जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, जो भी इस समय हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। सो टाइम विल हील एंड टाइम विल ऑलवेज गिव अस गिफ्ट्स। सो ट्रस्ट टाइम एंड ट्रस्ट गॉड। नेक्स्ट इज फिफ्थ इज हैप्पीनेस इज फाउंड विद इन। यस, हम हैप्पीनेस बाहर ढूंढते हैं। अब मुझे सत्संग और लेक्चर नहीं देना इसमें कि हैप्पीनेस हमारे अंदर ही है, ढूंढो, मेडिटेट करो। नो, डेली लाइफ में जब मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो, प्रेजेंट मोमेंट। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा ध्यान वीडियो की तरफ है, मुझे क्या पॉइंट्स बोलने हैं, मुझे क्या नहीं बोलना, कैसे समझाना है, मैं कैसे दिख रही हूँ, लाइटिंग प्रॉपर है, मेरी आवाज़ प्रॉपर है, आप समझ रहे हो, प्रेजेंट में जीना। सो जब मैं प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जीऊँगी तो आई एम फीलिंग हैप्पी, बिकॉज मैं इस समय वो काम कर रही हूँ जो मुझे पसंद है। सो आई एम फीलिंग हैप्पी। जब मैं खाना बनाऊँगी तो मैंने आटा सही गूंदा, मैं रोटी अच्छी बनाई, रोटी फूली, जब मेरा ध्यान रोटी की तरफ होगा ना, सो मेरी वो खुशी बहुत होगी, वाओ आटा कितना अच्छा है, वाओ मेरी रोटी फूल रही है, वाओ कितनी सॉफ्ट बनी है, ओ इट स्मेल्स नाइस। उस मोमेंट की वो, ये भी एक हैप्पीनेस है, ये कंटेंटमेंट देती है। कल का जो मैंने आपको डीक्लटरिंग का वीडियो बताया था, उसमें भी क्या मिल रही है हमें, हैप्पीनेस मिल रही है, क्योंकि वो एक काम जो 24 घंटे आपको दिमाग में अटक रहा था वो आज आपने ठीक कर दिया है। तो अब आप अलमारी खोलोगे तो वो हैंडल नहीं हिलेगा, तो आपको कंफर्ट रहेगा। तो वो जो 10 मिनट का नेगेटिव सेल्फ टॉक होता था हमारा हैंडल खोलते वक्त, वो ख़त्म हो गया। सो वो हैंडल अब ठीक है, तो आपका पॉजिटिविटी आ गई। क्यों? क्योंकि आप हैप्पी हो, आप हैप्पी हो गए बिकॉज आपको वो हैंडल नॉर्मल मिला, आपको रोज़ की तरह जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी ड्रॉअर खोलने के लिए, एंड यू वर हैप्पी। सो हैप्पी विद इन का मतलब ये है, हमारे पास, हमारे साथ, हम जो डेली जिंदगी जी रहे हैं उन सब मोमेंट्स के अंदर हैप्पीनेस है, हम देखना चाहें तो, हम समझना चाहें तो। हैप्पीनेस एक्चुअली हमारे प्रेजेंट मोमेंट में है। सो प्लीज़ ट्राई टू बी हैप्पी इन एवरीथिंग। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट इज ओवर थिंकिंग विल लीड टू सैडनेस। वेरी राइट। ज़्यादा सोचना ही क्यों है, अभी जो काम मुझे कल करना है या परसों करना है, कोई इंटरव्यू है या कोई सर्जरी है या कहीं बाहर जाना है, जितना उस काम के लिए रिक्वायर्ड थिंकिंग है, पैकिंग करनी है, ये लेके, उतना ही थिंकिंग करनी है। वहाँ जाऊँगी, फंस गई तो, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो, बच्चा बीमार पड़ गया तो, ट्रेन नहीं मिली तो, फ्लाइट मिस हो गई तो, दिस इज़ ओवर थिंकिंग। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड। प्रेजेंट में जब वो कुछ होगा तब की तब आप खुद हैंडल कर लोगे। सो नेवर ओवर थिंक एट ऑल। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, और अपना पूरा सर्कल आप नेगेटिव कर रहे हो, फिर नेगेटिव सिचुएशंस और नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे। ओके, द नेक्स्ट सेवन्थ रिमाइंडर इज पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव थिंग्स। ये तो हम डिस्कस करते आ ही रहे हैं, ये समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जितनी हम हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढेंगे, अपने आप पॉजिटिव चीज़ें आती जाएंगी। एट्थ रिमाइंडर इज स्माइल्स आर कंटेजियस। हंसने में क्या जाता है, एक स्ट्रेंजर के साथ भी, सब्जी वाले के साथ भी आप सब्जी ले रहे हो तो उसको भी स्माइल से, प्यार से बात करोगे तो उसे भी अच्छा रहेगा ना। हमारा क्या जाता है, ये तो भगवान एक अच्छी अच्छी चीज़ हमें दी है, स्माइल। कोई भी स्माइल करके आपसे बात करता है, आपको बहुत अच्छा लगता है उससे बात करना। तो सब्जी वाले से स्माइल करके बात करो ना, रिक्शे वाले से बात करो, थैंक यू भैया, स्माइल, ही इज़ हैप्पी, यू आर हैप्पी, गुड गुड वाइब्रेशंस का आदान प्रदान, गुड गुड वाइब्रेशंस आ गई और आप हैप्पीनेस की वाइब्रेशन पे आ गए। इट्स अ नाइस रिमाइंडर। एंड नाइन्थ रिमाइंडर इज काइंडनेस इज़ फ्री। ओ यस, काइंडनेस के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, मेहनत, पैसा नहीं लगता। काइंडनेस हर काम में, काइंडनेस घर के अंदर भी, काइंडनेस मेड के साथ भी, काइंडनेस अपने साथ भी, काइंडनेस किसी जानवर के साथ भी। तो काइंडनेस के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप सब जानते हो। द मोर यू आर काइंड, द मोर इंटरनल हैप्पीनेस यू विल फील, द मोर इंटरनल हैप्पी यू आर, द मोर वाइब्रेशंस विल बी गुड। एंड द 10th रिमाइंडर इज यू ओनली विल फेल इफ़ यू क्विट।
फेल हम तभी होते हैं जब हम क्विट कर जाते हैं, दैट मीन्स हम फेल हो गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, काम नहीं करता, मुझे रिजल्ट्स नहीं आते, ऐसा नहीं होता। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, नई चीज़ें समझो, क्या गलतियाँ हो रही हैं वो देखो, अपनी एनर्जी को मेंटेन करो, अपने आप को अलाइन रखो, अपने आप सब ठीक होता जाएगा। क्विट करना ही क्यों है, इसको ट्राई करने में हमारा नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं है। हर वो चीज़ स्माइल करने में मेरा नुकसान क्या है? मैं खुद भी खुश हो रही हूँ, सामने वाले को भी खुशी दे रही हूँ। काइंड होने में नुकसान क्या है? मैं अच्छी वाइब्रेशंस दे रही हूँ, सामने वाले गुड फीलिंग दे रही हूँ, मुझे भी गुड फीलिंग आ रही है अच्छा बन के किसी के साथ। सो हर वो चीज़ जिसमें आपको कुछ नुकसान नहीं है, वो एक अच्छा वर्च्यू है, उसे करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। सो हम क्विट क्यों करना है? दैट मीन्स हम फेलियर हैं, हम नेगेटिव हो गए, क्यों करना है? इन स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स, स्मॉल स्मॉल हैबिट्स से हमने क्विट। लाइफ में क्या करना है? ऐसे तो मर जाना ही है ना सबने, तो क्यों ना ये स्मॉल स्मॉल चीज़ें, एक्टिविटीज़, ये जेस्चर्स, इसको प्रैक्टिस करें, इसके रिजल्ट्स देखें, अपना हर मोमेंट खुशनुमा बनाएं, व्हाई नॉट। सो आई होप यू लाइक ऑल दिस 10 रिमाइंडर्स। मैं ये सब 10 रिमाइंडर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी, आराम से उसको पेपर पे प्रिंट आउट निकालो, अपने पास रखो। शुरू में हमें हैबिट बनाने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। गेट अप इन द मॉर्निंग, डू योर ग्रैटिट्यूड रिचुअल, भगवान जी को थैंक्स करना है, एफर्मेशंस पढ़नी है, डू दोज रिचुअल्स, एंड उसके बाद ये पेपर पढ़ के अपने आपको रिमाइंडर दो कि आज का दिन मैंने ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, आई हैव टू बी काइंड, आज सारा दिन मैं स्माइल करके रहूँगी। 10 में से कोई एक वर्च्यू पकड़ लो और उसको फुल डे फॉलो करो, और रात को सोने से पहले चेक करो इनमें से मैंने क्या फॉलो किया। कोई बात नहीं, 2 मिस हो गए, इट्स ओके, हैबिट्स से मजबूर हैं, नेक्स्ट डे वो 2 मिस नहीं होंगे। धीरे 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 इट विल हेल्प यू अराउंड। आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, दे विल ऑलवेज हेल्प यू अराउंड। कहीं भी स्टक हो जाओ, आप फंस जाओ उस सिचुएशन में, इनमें से कोई वर्च्यू पढ़ो एंड यू विल फील, ओ माई गॉड, ये मेरे से गलती हो गया, मैं इसको ठीक करती हूँ, शायद इसलिए मैं बैड फील कर रही हूँ। इट्स दैट सिंपल। ओके, थैंक यू सो मच। कोशिश तो पूरी करती हूँ कि वीडियो छोटी बने, बट आई डोंट नो, मैं शायद बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, आई एम टू टॉकेटिव, कि वीडियो फिर इतनी लंबी हो जाती है। सो टेक केयर, बाय, सी यू, आई लव यू ऑल। एनी हेल्प, एनी कमेंट्स, एनी थिंग यू विश टू नो और लाइक और कुछ भी आपको शेयर करना है, मोस्ट वेलकम टू, एंड यू आर ओपन टू राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई एंड रिप्लाई यू बैक। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक, बाय बाय।